स्पीति नगर में सार्वजनिक नवदुर्गा एवं विजयादशमी समिति के द्वारा लगातार 18 वर्षों से नवदुर्गा की स्थापना का उत्सव मनाया जाता रहा है और हर वर्ष कुछ न कुछ नया किया जाता है। इस वर्ष भी कई आकर्षक आयोजन समिति द्वारा किए गए हैं और इसके साथ ही पंचमी तिथि से प्रारंभ हुई गरबा उत्सव में पूरे भिलाई की जनता अपना योगदान भी दे रही है। स्पीति नगर क्षेत्र की महिलाएं विशेष तौर पर गरबे में मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं, क्योंकि समिति के संरक्षक राजीव चौबे द्वारा विगत 18 वर्षों से नवरात्र के पहले गरबे का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे इनके नृत्य शैली काफी आकर्षक बन गई है। आइए देखते हैं गरबा उत्सव के मुख्य अंश। देखिए, जो हमारी सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति स्मृति नगर का जो डांडिया है, 2006 में ये प्रारंभ हुआ था, प्रथम वर्ष था, और 2006 से लेकर आज तक लगभग 20-22 दिन का प्रशिक्षण हम इनको देते हैं, जितने खिलाड़ी हैं, और ये निशुल्क प्रशिक्षण होता है। तो इस प्रशिक्षण के कारण 2006 से चला आ रहा है, तो आज इतने सालों में काफ़ी पारंगत हो गए हैं हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, और बहुत बढ़िया इनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति जो होती है इस कारण होती है। विगत 18 सालों से यहाँ पे दुर्गा उत्सव चल रहा है और मैं हमेशा ही कमेटी में मेंबर भी रही हूँ, और इस साल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही धूमधाम से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे और बहुत ही जोश देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप खुद ही देख रहे हैं थोड़ी देर से। इस साल नया शतचंडी यज्ञ है हमारे यहाँ का, और ये जो गरबा का प्रैक्टिस है ये विगत 10-11 दिनों से चल रहा था, और अब आपको धूम तो देखने को मिल ही रही है। आनंद नगर, सूरी विहार, चौहान टाउन, पुष्पक नगर, त्रिवेणी नगर, स्मृति नगर, सेक्टर 5, पूरा भिलाई आ रहा है। पटरी पार का पूरा भिलाई आ रहा है। और ये समिति है जो सबसे पहले भिलाई में स्मृति नगर में स्टार्ट की थी गरबा का प्रैक्टिस, और सबसे ज्यादा जोश पाया जाता है महिलाओं की, पूरी कमेटी भी महिलाओं की है, पूरा जोश आपको देखने को मिलेगा पूरी महिलाओं के बीच में।